नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बेसिक वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप अपने मोबाइल से यूपी बोर्ड का हाई स्कूल या 12th क्लास का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो कैसे आप अपने मोबाइल से यूपी बोर्ड हाई स्कूल का रिजल्ट या इंटरमीडिएट का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट चेक करने के लिए देखिए, आपको गूगल को ओपन करना है और गूगल में आपको लिखकर सर्च करना है skimfind.com। इस तरह से आपको यहाँ पर गूगल में लिखकर सर्च कर लेना है skimfind.com। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, इस तरह से आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद अब यहां पर आपको सबसे पहली वाली वेबसाइट मिल जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं skimfind.com, आपको इस वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं जो skimfind वेबसाइट है वो यहां पर ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, इस वेबसाइट में आपको यहाँ पर बहुत सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अगर आप यूपी बोर्ड का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए, आपको एक रिजल्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग देखने मिलेगी यूपी बोर्ड क्लास। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप 10th क्लास या 12th क्लास का अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो आपको इस वाली हेडिंग पर क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसा आप इस वाली हेडिंग पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने अगला पेज यहाँ पर कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको थोड़ा नीचे आना है। अगर आप इंटरमीडिएट या हाई स्कूल का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप हाई स्कूल का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक एयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप इंटर क्लास का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक एयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं आपको इंटर क्लास का रिजल्ट चेक करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक एयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। तो देखिए, जैसा आप क्लिक एयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो आपका इंटर का रिजल्ट का ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जनपद सेलेक्ट करना है। तो आपका यहाँ पर जो भी जनपद है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी जनपद देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना जनपद सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको अपना यहाँ पर रोल नंबर डालना है। आपका जो भी रोल नंबर है उसको यहाँ पर आप डाल दीजिए। रोल नंबर डालने के बाद इसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको व्यू रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसा व्यू रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखिए, आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका जो यहाँ पर इंटर क्लास का रिजल्ट है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपका जो भी रोल नंबर है यहाँ पर आप अपना रोल नंबर दे सकते हैं। आपका क्या नाम है आप यहाँ पर अपना नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, आपके मंदिर का नाम दिया गया है, यहाँ पर आपके फादर का नाम दिया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर नाम देखने मिल जाएंगे। किस पेपर में आपको कितने अंक यहाँ पर मिले हैं वो यहाँ पर आप अपने अंक देख सकते हैं। टोटल आपके कितने अंक हैं वो यहाँ पर आप अपने टोटल अंक देख सकते हैं। आप पास हुए या फेल हुए वो यहाँ पर आप अपनी डिटेल देख सकते हैं। अगर आप पास हैं तो यहाँ पर आपको पास का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। और आपकी कौन सी डिवीजन बनी है, फर्स्ट डिवीजन बनी है या सेकंड डिवीजन बनी है, वो यहाँ पर आप अपनी डिवीजन देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए, अगर आप अपनी मार्कशीट को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट रिजल्ट, इस पर आप क्लिक करके अपनी मार्कशीट को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से आप इंटर क्लास का यहाँ से रिजल्ट चेक कर सकते हो। अगर आप हाई स्कूल का रिजल्ट चेक करना चाहते हो तो आपको फिर से वेबसाइट पे आना है। यहाँ पर आपको क्लिक वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपका इंटर क्लास का यहाँ पर रिजल्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है, इसके बाद ये वाला कैप्चर को डाल देना है और इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। आपका यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, आप अपना रिजल्ट अपने मोबाइल से बहुत ही आसान तरीके से चेक कर सकते हो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।